हेलो बच्चों, इस वीडियो के लास्ट में आपको एक रिडल मिलेगा जो आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होने वाला है। इससे पहले भी कई बच्चे बताते रहे, कई बच्चे पर्सनली भी बताए हैं मुझे उसका आंसर, तो अच्छा रहेगा आप यहीं पे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डे तक मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल बताए थे, उसके क्राइटेरियाज बताए थे, है ना। उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस कीजिए होम, तो फिर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होते रहेगा और ज़्यादा सीखते रहेंगे, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कि सम इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज़ होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ट्राइंगल का इनइक्वालिटी क्या होता है? ट्राइंगल का इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमिका, मतलब कुछ बराबर नहीं होना, मतलब कुछ एक चीज़ दूसरे चीज़ से बड़ा है या दूसरा चीज़ पहले चीज़ से छोटा है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना, है ना, यही सब होता है इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ट्राइंगल का इनइक्वालिटी में हम लोग ये सोचते हैं कि अब देखो तीन साइड्स है ट्राइंगल में, तीन भुजाएँ हैं, तीनों में से को ऐसा तो है नहीं कि तीनों बराबर ही होगा या फिर कोई छोटा ही होगा हमेशा सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स कोई तीनों का साइज अलग अलग होने वाला है, तो इनमें भी कुछ हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा साइड बड़ा होगा, कौन सा साइड छोटा होगा। ये सब डिपेंड करेगा कि एंगल पे, कि जो एंगल बड़ी है उसके अपोजिट का साइड भी बड़ा होगा। समझा मैंने क्या बोला आपको, मैं लिख के बताता हूँ। ये एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है देखो, थ्योरम है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनईक्वल द लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अब ये क्या लिख रखा है देखो, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो साइड्स बराबर नहीं है तो जो ज्यादा बड़ी साइड होगी उसके अपोजिट का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो भी बड़ा होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई कोण बड़ा है तो उसके अपोजिट का जो साइड होगा वो बड़ा होगा। मीन्स अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी और इधर से ऐसे डी गया, ठीक है, तो इसमें ये डी जो गया ये मैंने थोड़ा आगे का ड्रॉ कर दिया, वो अभी आप रहने दीजिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको ड्रॉ करने ही वाला हूँ, अभी रुक जाते हैं। तो ए बी सी ट्राइंगल में अगर मान लो मैंने बोला कि ए सी जो है उसका लेंथ ए बी से बड़ा है, अगर मैंने बोला कि इफ ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, देन ए सी के अपोजिट का एंगल कौन सा है, एंगल बी, देन एंगल बी इज ग्रेटर देन ए बी के अपोजिट का एंगल कौन सा है, सी, एंगल सी। ये सच्चाई होती है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि आखिर कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना, कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो अच्छे से लिखता हूँ मैं, तो देखो गिवन क्या है, गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, क्या पता है अपने को, मैंने बोला कि ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, एक साइड दूसरे साइड से बड़ी है। तो टू प्रूव क्या करना है, प्रूव अपने को करना है कि एंगल ए बी सी, अब क्या होगा अगर ए सी ए बी से बड़ा है तो ए बी सी, समझ रहे हैं आप, वो बड़ी होगी एंगल ए सी बी सी, क्योंकि ए बी के अपोजिट अगर मैंने बोला ए बी ये साइड है, ए बी ये साइड है तो उसके अपोजिट का ये एंगल, और अगर मैंने बोला कि ए बी ये साइड है उसके अपोजिट का ये एंगल, तो अब ये येलो वाला जो एंगल होगा वो येलो वाले साइड के अपोजिट है, और ब्लू वाला जो ग्रीन वाला जो एंगल है वो ग्रीन के अपोजिट साइड के है। तो येलो वाला साइड अगर ग्रीन वाले साइड से बड़ी है तो येलो वाला एंगल भी ग्रीन वाले एंगल से बड़ा होगा, यही बात प्रूव करना है।
तो देखो यहाँ पे अभी जो कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आप ये देखिए। तो कंस्ट्रक्शन मैंने बोला कि यहाँ से मैंने क्या किया कि अब AC AB से बड़ा है, AC AB से बड़ा है, मतलब कि AC में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जिससे कि AD, जिससे कि AD AB से बड़ी हो जाए, जिससे कि AD AB से सॉरी AD AB के बराबर हो जाए। AC AB से बड़ी है तो D एक ऐसा पॉइंट ले लिया AC पे जिससे कि AD AB के बराबर हो गया, और मैंने D को B से ज्वाइन कर दिया, D को B से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो तो यहां मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मार्क अ पॉइंट डी ऑन एसी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ऐसा मैंने मार्क कर दिया, कर सकते हैं ना क्योंकि एसी तो बड़ी थी। एंड ज्वाइन बी डी, और बी डी को ज्वाइन भी कर दिया। तो अब आप बी डी को ज्वाइन करने के बाद देखो ए बी डी एक ट्राइंगल बना, है ना, ए बी डी एक ट्राइंगल बना। तो अब देखो अब क्या करेंगे, अब प्रूफ। अब बताओ इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी अपने को क्या पता है, ए बी ए डी के बराबर है, है ना, ए बी डी में ए बी के बराबर है। मीन्स एंगल ए बी डी अब एंगल ए डी बी के बराबर होगा, ए बी डी ए डी बी के बराबर होगा। मीन्स अगर मैं इस एंगल को बोलूँ कि ये एंगल वन है, इस एंगल को बोलूँ ये एंगल टू है, तो क्या एंगल वन बराबर एंगल टू होगा? बिल्कुल होगा, सही बात है ना, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल कौन सा बी सी डी, थोड़ा सा डायग्राम नीचे ले आता हूँ जिससे आपको लिखने के साथ साथ दिखाई भी दे, इधर ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब बी सी डी ट्राइंगल में आप ही बताओ कि एंगल टू जो है क्या वो बी सी डी ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण होता है, मीन्स एक्सटीरियर एंगल मतलब होता है कि किसी एक साइड को आगे की तरफ बढ़ा दिया तो जो एंगल बनता है। देखो बी सी डी में हम लोगों ने ये साइड को, सी डी साइड को ऐसे आगे बढ़ा दिया तब तो ये एंगल बना है कि नहीं। तो एंगल टू क्या हो गया, एक बाह्य कोण हो गया, है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल टू इज द एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अगर वो एक्सटीरियर एंगल है तो आप बताओ कि मीन्स एंगल टू इज इक्वल्स टू, इसको भी कुछ नाम दे देता हूँ, चलो इसको एंगल थ्री बोल देता हूँ, इसको एंगल फोर भी बोल देता हूँ। एंगल टू किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के। अगर आपको पता ना हो तो बता दूँ कि किसी भी त्रिभुज में जो ये बाह्य कोण होता है ये अपोजिट के दोनों कोण के योगफल के बराबर होता है, इन दोनों के ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, अगर याद नहीं हो आपको तो अभी देख लो। तो एंगल टू एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। मीन्स अगर तीन और चार को जोड़ने के बाद टू आ रहा है कि नहीं, तीन और चार को जोड़ने के बाद टू आ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब एंगल टू एंगल चार से तो बड़ा ही होगा ना, है कि नहीं। एंगल टू एंगल चार से बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि एंगल चार में कुछ ऐड करने के बाद, क्या ऐड करने के बाद, एंगल तीन ऐड करने के बाद एंगल दो आ रहा है, तो कुछ ऐड करने के बाद आ रहा है तो उससे तो बड़ी होगी ना वो एंगल, तो एंगल टू एंगल फोर से ग्रेटर है। इसको मैंने अपने पास में रख दिया कि ये इक्वेशन वन है। ठीक है, आगे सुनो। अब लेकिन गिवन है कि एंगल वन एंगल टू के बराबर है कि नहीं, गिवन है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मीन्स एंगल वन एंगल फोर से बड़ी है, बोल सकते हैं ना एंगल वन एंगल फोर से बड़ी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आप ही देखो डायग्राम में, देखो एंगल वन
एंगल 4 से ग्रेटर है कि नहीं। एंगल 1 एंगल 4 से ग्रेटर है, मींस 1 मींस कौन सा हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल से ग्रेटर है। तो आप ही बताओ, आप इस वाले एंगल में कुछ और एक्स्ट्रा एंगल ऐड कर दिया आपने, तो इस वाले एंगल में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो इससे तो ग्रेटर ही होगा ना, समझ रहे हो बात को। मींस अगर एंगल 1 एंगल 4 से ग्रेटर है, एंगल 1 में कुछ ऐड कर दिया आपने, तो एंगल 1 में एंगल 3 एंगल तो पॉजिटिव ही होगा ना, ऐड करने के बाद वो भी एंगल 4 से ग्रेटर ही होगा, सीधी सी बात है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा दो चार बार तो आपको समझ में आएगा। अब बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी हो जाएगा, तो एंगल एबीसी हो गया ये। और एंगल 4 क्या था, एंगल एसीबी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी, क्या ऊपर देखो यही प्रूव करना था, एबीसी एसीबी से ग्रेटर हो गया, हेंस प्रूव्ड कि एंगल एबीसी इज एंगल इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी। मींस किसी भी त्रिभुज में अगर साइड का लेंथ बड़ा हो तो एंगल भी बड़ा होता है, उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला थ्योरम हो गया इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत काम आता है, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये पहला थ्योरम था, एक और थ्योरम करते हैं, थ्योरम 2 है ना, दूसरा थ्योरम रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। वो क्या कहता है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे से ग्रेटर होता है, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरे से ग्रेटर होता है, ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो ये याद रख लो, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड से ग्रेटर होता है। चलो इसे भी मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे प्रूव करेंगे। देखो अब ये एक ट्रायंगल, मैंने बोला कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा गिवन, अब ट्रायंगल का नाम बोलते हैं ए बी सी, तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, इसके अलावा कुछ और गिवन है क्या, नहीं। टू प्रूव क्या करना है कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए बी ए सी ऐड करेंगे तो बी सी से ग्रेटर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी करें अगर तो वो ए सी से ग्रेटर होगा, या फिर अगर बी सी प्लस ए सी करें तो वो ए बी से ग्रेटर होगा, यही बातें प्रूव करनी है ना, है कि नहीं। कोई भी एक कर दें तो हो जाएगा, बाकी दोनों हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसे प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ भी कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा वो देखो आप। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं कि प्रोड्यूस साइड बी ए, बी ए को मैं ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करना मतलब बढ़ाऊंगा, बी ए को ऐसे बढ़ाते जाऊंगा और तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि ये ए डी जो है, मतलब डी तक इस प्रकार बढ़ाऊंगा कि ए डी का लेंथ ए सी के लेंथ के बराबर आ जाए। कर सकते हैं ना, मैंने बी ए को इस तरह से आगे की तरफ बढ़ाया जिससे ए डी का लेंथ ए सी के लेंथ के बराबर आ जाए और डी सी को ज्वाइन कर दिया, और क्या किया, डी सी को ज्वाइन कर दिया। तो इस चीज़ को मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है कि प्रोड्यूस साइड बी ए टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए सी एंड ज्वाइन सी डी। वही लिखा मैंने कि साइड बी ए को प्रोड्यूस किया कहाँ तक, डी तक, जिससे कि ए डी ए सी के बराबर हो जाए, ठीक है, और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखो प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रूफ करेंगे, ये मैं लिखता हूँ प्रूफ। अब ये जो एक ट्रायंगल बना है, इन ट्रायंगल ए सी डी, बताओ ए सी डी ट्रायंगल में ए सी ए डी के बराबर है, तो क्या एंगल ए डी सी
एंगल एसीडी के बराबर होगा, है कि नहीं? अब दोनों साइड बराबर है तो उसके अपोजिट के एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अच्छी बात है। अब वो दोनों बराबर हैं तो आप ही बताओ कि ए डी सी जो है, ध्यान से देखना, अब बी सी ए के साथ, ध्यान से देखना, ए सी डी जो है, ए सी डी बी सी ए एंगल, उसमें अगर मैं बी सी ए ऐड कर दूं तो क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर था, अब दोनों बराबर में से एक बराबर में मैंने ये ऐड कर दिया, तो अब किसी दो बराबर चीज़ों में किसी एक में आप कुछ ऐड करोगे तो जिसमें ऐड करोगे वो तो ग्रेटर हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो यहाँ मैं बोलूँगा कि आपने क्या किया, एंगल ए सी डी को लिखा एंगल ए डी सी के बराबर, और एंगल ए सी डी में आपने कहा कि चलो मैं ऐड कर देता हूँ एंगल ए सी बी, तो क्या वो एंगल ए डी सी से बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और जैसे आप ए सी डी को, मीन्स ये एंगल को, ये एंगल को इसके साथ ऐड करोगे ए सी बी के साथ, तो क्या मिलेगा? बी सी डी मिलेगा, है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा जो कि क्या है, एंगल बी सी डी। क्या वो एंगल ए डी सी से ग्रेटर है? बिल्कुल है। बी सी डी क्या है? एंगल बी सी डी क्या है? ए डी सी से ग्रेटर है। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये होने के बाद, अब पूरे बड़े से ट्रायंगल में देखो, एक मिनट, अब अगर पूरे बाहर वाले ट्रायंगल में आप देखोगे तो क्या होगा? इन ट्रायंगल बी सी डी, अब बी सी डी ट्रायंगल में क्या है, एंगल बी सी डी इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, है ना? या ए डी सी को नहीं लिखते हैं, ए डी सी को लिख देता हूँ बी डी सी, क्या लिख देता हूँ, बी डी सी। देखो बी सी डी एंगल मीन्स ये एंगल इससे बड़ा है, तो जो एंगल बड़ा है उसके अपोजिट साइड का लेंथ भी बड़ा होगा, है ना? तो बी सी डी के अपोजिट कौन सा साइड है? बी डी। तो क्या बी डी और बी डी सी इस एंगल के अपोजिट कौन सा है? बी सी। क्या बी सी से बड़ा होगा? बिल्कुल होगा, है कि नहीं? अपोजिट एंगल अब क्योंकि बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये भी तो ग्रेटर हो जाएगा। अब बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए प्लस ए डी लिख दूँ, है ना? बी डी को क्या लिख सकता हूँ? बी ए प्लस ए डी, वो क्या होगा? बी सी से ग्रेटर होगा। बी ए को चलो ए बी लिख देता हूँ, और ए डी किसके बराबर था? ए सी के बराबर था ना, ऊपर देखो, ए डी किसके बराबर था? ए सी के बराबर था, वो बी सी से ग्रेटर हो गया। यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं? यही तो प्रूव करना था, तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली अब इसमें हम लोगों ने बी ए को प्रोड्यूस किया था बाहर की तरफ, अगर बी सी को प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरा वाला रिलेशन प्रूव हो जाएगा, अगर वही ए सी को प्रोड्यूस करेंगे तो तीसरा वाला प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये तो प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? आसान सी बात है कि नहीं? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका प्रूफ भी आपको अगर याद रह गया तो बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आप खुद ही कर लोगे, है कि नहीं? जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अब बार बार उस चीज़ को देखने की, ठीक है? तो ये बात हो गई, तो ये दो थ्योरम हो जाता है। अब चलो तीसरा एक और थ्योरम देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि वो थ्योरम क्या कहता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, देखो सब थ्योरम जानना जरूरी है, फिर और टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। अगला थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम यह बोलता है कि ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन, टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग, नॉट लाइंग ऑन इट, मैं समझा दूंगा मीनिंग आपको, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट,
अब देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि सारे लाइन सेगमेंट जो किसी भी एक दूसरे लाइन पे किसी बाहर के पॉइंट से जो उस लाइन पे लाइन ही करता है, अगर हम लोग बहुत सारे लाइन ड्रॉ करें तो जो सबसे छोटा लाइन होगा वो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। अब देखो क्या मैं डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लो एक लाइन है ये, इस लाइन को मैंने बोल दिया कि ये एल है, तो बाहर के एक पॉइंट पी से जितने भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, एल लाइन एल पे कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन आ सकता है, ये लाइन आ सकता है, ये लाइन आ सकता है, बहुत सारे लाइन, तो उसमें सबसे छोटा जो होगा वो पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सपोज पी एम, वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इतने सारे लाइन ड्रॉ नहीं करके मैं सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ करता हूँ, प्रूव कर देता हूँ कि उसमें और इसमें छोटा कौन सा होगा। अगर मैं बोलूँ कि चलो ये इसको एन ले लेता हूँ, मैं अगर मैं बोलूँ कि पी एम पी एन से छोटा है, इसी बात को प्रूव कर दे तो हो गया, है कि नहीं। तो ये आप याद भी रखो कि किसी भी बाहर के पॉइंट से किसी लाइन पर जितने भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे छोटा कौन सा होता है, जो उस लाइन पर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आता है। तो मैं यह लिखता हूँ, गिवन क्या, गिवन क्या है डेटा, क्या गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन एल एंड अ पॉइंट पी नॉट लाइंग, नॉट लाइंग मतलब उस पर नहीं है, ऑन एल। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, और क्या है कि पी एम इज परपेंडिकुलर टू एल, ओके, एंड एन इज एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है एन ऑन एल अदर देन एम, एम के अलावा पूरे एल लाइन पे एन कोई एक ऐसा पॉइंट है मतलब जो उसी लाइन पे है, और एन को पी से ज्वाइन करने पे पी एन लाइन मिलता है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, तो प्रूव करना है अपने को पी एम इज लेस देन पी एन, पी एम पी एन से छोटा है, ये बात प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ। अब देखो इन ट्रायंगल पी एम एन, बहुत सिंपल सी बात है, इन ट्रायंगल पी एन एम पी एम एन, आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। वी है, बताओ एंगल एम कितना है, 90 डिग्री है ना, क्योंकि एंगल एम 90 डिग्री है, इसका मतलब आप ही बताओ क्या एंगल एम पी एन प्लस एंगल पी एन एम मतलब बाकी जो दो एंगल बचे क्या उसका सम भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उसका सम भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल पी प्लस एंगल एन इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर पी और एन को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होता है इसका मतलब उसमें वो दोनों ही एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री से छोटा हो गया, है कि नहीं, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है तो दोनों एंगल तो 90 से छोटा ही हुआ ना, मीन्स एन 90 से छोटा हो गया और एम 90 के बराबर है, इसका मतलब एंगल एन जो है वो एंगल एम से क्या हो गया, छोटा हो गया, एंगल एन जो है वो एंगल एम से क्या हो गया, छोटा हो गया, लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ एंगल एम इज लेस देन एन इज लेस देन एंगल एम, सीधी सी बात है क्योंकि एन 90 से छोटा है, एम 90 से के बराबर है। अब क्योंकि एक एंगल दूसरे एंगल से छोटा है तो जो एंगल छोटा है उसके अपोजिट का साइड भी उसी ट्रायंगल में क्या होगा, छोटा होगा, तो एंगल एन के अपोजिट कौन सा साइड है, देखो ये इधर रहा एन, उसके अपोजिट कौन सा साइड है, पी एम है ना, तो पी एम क्या हो जाएगा, एंगल एम के अपोजिट कौन सा साइड है, पी एन, पी एन से छोटा होगा, क्यों, क्योंकि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर। तो मैं 10 लिख सकता हूं, हेंस पी एम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइंस, लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम पी टू एल। ठीक है, ये हो गया। तो अब अगले दिन का होमवर्क आपके लिए, अगले दिन का होमवर्क है, इसका नोट्स आपको बहुत अच्छे से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है सारे नोट्स, क्योंकि ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ
ये सब आप अच्छे से अपने नोटबुक में लिखो ताकि बाद में अगर रिवीजन की ज़रूरत पड़े तो आप आराम से रिवाइज कर पाओ इसे, है कि ठीक है कि नहीं। इसको मैं अपनी जगह पे डाल देता हूँ, ओके। तो आसानी से ये चीज़ें आप समझ रहे होंगी, इसको भी जगह पे डाल देता हूँ। चलो, अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है डायग्राम का, हो गया, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, आप इन सब का नोट्स लिखिए। मैं थोड़ा और एक और थ्योरम कराऊंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दो चार क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे बेस्ड, ठीक है। और फिर मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आप कर पाएँ आगे घर जाके, हाँ मीन्स होमवर्क के रूप में कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब रिडल टाइम, ठीक है। अब रिडल टाइम, आज का रिडल। तो आज का रिडल क्या है आप देखिए, आज का ये रहा रिडल, इस चीज को ध्यान से देखो। ये क्या है, तो ये एक पार्किंग लॉट है। ये क्या है, एक ये पार्किंग लॉट है। पार्किंग लॉट का मतलब क्या होता है, पार्किंग लॉट का मतलब होता है जहां पे कार पार्क किया जाता है। यहां पहला, यहां कार पार्क होगा, मीन्स समझ रहे हो ना, इस पहले वाले जगह पे कार पार्क होगा, फिर इधर भी कार पार्क होगा, इधर भी कार पार्क होगा, इधर भी कार पार्क होगा, इधर पार्क्ड है, इधर कार पार्क होगा, हर जगह कार पार्क करने वाले हैं, ओके। तो आपको ये बताना है कि जिस जगह पे कार पार्क्ड है, यहाँ बताओ इस जगह का नंबर कौन सा है, है ना। बाकी सबका नंबर आपको दिख रहा है, तो ये जो पार्किंग है इसका नंबर क्या है ये आपको बताना है, कि इस पार्किंग का जो जगह है जहां ऑलरेडी कार पार्क्ड है उस जगह का नंबर क्या है, ठीक है, समझ गए आप। तो आज का रिडल यही है, आप अच्छे से सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या है, मैं वहीं आपको जवाब दूंगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। और मैं इन सब जितने भी मैं आपसे रिडल पूछ रहा हूँ, जितने भी पजल्स पूछ रहा हूँ, जितने भी पहेलियाँ पूछ रहा हूँ, सबका आंसर मैं आगे बताऊंगा, आप वेट करो, सबका आंसर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, सबका आंसर मिलेगा आपको, ओके। तो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह देखते रहिए और रिडल सॉल्व करते रहिए और दिमाग पे जोर डालते रहिए और सीख